अरे भाई आपको कोई सुनिए, आज महीना कौन है? अक्टूबर आओ कब रिटायर करेंगे? और कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब, जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराए। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं। प्रशांत किस ओर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में भी हैं? काहे आप दादी का नाम लेते हैं? जो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं, कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोग को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है, क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत। कौन से प्रकरण पे बताइए? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है, इसका अनुसंधान चल रहा है। कि सबको ये सुझाव दूंगा कि अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें, इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ब्रीफ करूंगा। क्या लग रहा है कि इस पर लगने की बात फिर आ गई ना, ये तो मैं मना कर रहा हूँ, अंदाजा मत लगाइए, अंदाजा बिल्कुल जो बात है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो है कोई भी किसी भी बात के लिए हम लोग अपना तथ्य को करके तो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं, मैं जब कह रहा हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील, पेचीदा, रेयर टाइप का मामला है जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है, उस अनुसंधान के उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगी। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में सही समय पर बात की जाएगी। सवाल, जो एजेंसी अभी जांच कर रही है, क्या बिहार पुलिस की एजेंसी जो है दूध का दूध और पानी का पानी साबित कर पाएगी? हमारी जो एजेंसीज हैं जाँच की, वो एजेंसीज पूरी तरह सक्षम है, उनके अंदर पूरी कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमारी कई एजेंसी जो हैं वो अलग अलग तरह की जांच जो है वो करती हैं। जहां तक आप जो बात कह रहे हैं वो, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं, सीबीआई की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना, आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, अंदाजे पे बात ना करें, मैं बार बार ये कह रहा हूं।